بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد السلام عليكم dear students we are discussing chapter number 19 और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेवलपमेंट ऑफ चेक और डेवलपमेंट ऑफ चेक में आज हमने डिस्कस करना है नोटोकार्ड एंड वीजो डन फॉर्मेशन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस की थी ब्रीफली मैं उनको रिकॉल करूंगा। डेवलपमेंट ऑफ चेक प्रोसेस शुरू होता है फर्टिलाइजेशन से, जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं The union of egg and sperm is known as fertilization. As a result of fertilization, zygote is formed. जब zygote बन जाता है, zygote बनता है oviduct में, oviduct से move करता हुआ zygote जो है वो जब uterus में से गुजरता है, वहाँ पे shell gland है, shell gland क्या करता है, वो shell secrete करता है। और शेल से अंदर की तरफ शेल मेम्ब्रेन सीक्रेट होती है, एक एक्सटर्नल शेल मेम्ब्रेन, दूसरे इंटरनल शेल मेम्ब्रेन, फिर एब्यूमेन या जोन भी बनता है। इस तरीके से कंप्लीट एग इज फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होता है, लेइंग ऑफ एग होती है, हेन लेज एग। और एग देने के बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, उस वक्त तक स्टॉप रहता है जब तक कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले। प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए इंक्यूबेशन होती है, ये भी आप पहले सीख चुके हैं। और आप पहले ये सीख चुके हैं कि जो एग का योक है, योक की सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क। आगे फर्दर जो चेंजेस आती हैं वो सारी जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क में आती हैं। उसमें पहले जो है वो जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टो डिस्क वो डिवाइड होती है, क्लीवेज प्रोसेस होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लीवेज मींस डिवीजन, डिवीजन के नतीजे में दो सेल बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोबियर्स कहते हैं। दोस टू सेल्स डिवाइड, फोर सेल्स आर फॉर्म्ड, देन 18, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। और इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, मारूला। और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है, यानी उनके दरमियान इंटरनल सेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो ये इससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज ब्लास्टोडर्म। तो इस तरीके से क्लीवेज के नतीजे में स्ट्रक्चर बना मारूला। मारूला में चेंजेस आती हैं, तो उसमें कैविटी बनती है, ब्लास्टोसीट। इस स्टेज पे एम्ब्रियो को ब्लास्टुला कहते हैं। फिर वो सेल्स मूवमेंट शो करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं जर्म लेयर्स में, जर्मिनल लेयर्स में, और इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्टुलेशन। और इस स्टेज पे एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्टुला। तो ये फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन, क्लीवेज, मारूला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये नोटोकॉर्ड एंड वीजो डन फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड एंड वीजो डन फॉर्मेशन, ये पहले आपको सीख चुके थे गैस्टुलेशन स्टेज के दौरान ब्लास्टोसीट से ऊपर एक लेयर बनती है सेल की, जिसे हम एपिब्लास्ट कहते हैं, और ब्लास्टोसीट से नीचे हाइपोब्लास्ट बनता है। एपिब्लास्ट इज प्रेजम्प्टिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। प्रेजेंटिव मींस के एपिब्लास्ट से फ्यूचर में एक्टोडर्म भी बनेगी और मेसोडर्म भी बनेगी, जबकि हाइपोब्लास्ट जो है दिस इज प्रेजम्प्टिव एंडोडर्म। इट मींस इन फ्यूचर हाइपोब्लास्ट विल गिव राइज टू एंडोडर्म। ये यहां पे योक दिखाई गई है, दिस इज हाइपोब्लास्ट, दिस इज एपिब्लास्ट, जहां पे ये हिस्सा एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट का जॉइंट हो रहा है और ये योक के साथ भी अटैच है। दिस इज नोन एज जोन ऑफ जंक्शन, जोन ऑफ जंक्शन। द मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट मीडियली एंड कॉडली फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एपिब्लास्ट टू फॉर्म ए मिड लाइन थिकनिंग कॉर्ड प्रिपिटल स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब है धारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एपिब्लास्ट है, और जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हाइपोब्लास्ट है। एपिब्लास्ट से सेल्स दोनों साइडों से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइडों से सेल्स
माइग्रेट करके ये मिडिल साइड पे आते हैं और ये कॉर्डली चलते हैं, यानी पेयर की तरफ इनकी फॉर्मेशन होती है। द सेल्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एपिप्लास्ट माइग्रेट टू द मिड लाइन टू फॉर्म ए थिकनिंग विच इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीम। एपिप्लास्ट के दोनों साइड से सेल माइग्रेट होकर दरमियान में आते हैं और मिड लाइन थिकनिंग बनाते हैं। इस मिड लाइन थिकनिंग को प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब है ढाल। नेक्स्ट टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोज रैपिडली लेंथवाइज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द शेप ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम इज चेंज फ्रॉम सर्कुलर टू ईयर शेप। ईयर शेप नाशपाती की शक्ल। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये ग्रो करती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस प्रोसेस के दौरान जो ब्लास्टोग्राम है पहले उसकी सर्कुलर शेप होती है फिर वो चेंज होकर पियर शेप तैयार कर लेती है। एट अ स्फेरिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक हैंसन नोड इज फॉर्म्ड। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक स्फेरिक एंड स्फेरिक मींस हेड, यानी इसका जो एंटीरियर एंड है प्रिमिटिव स्ट्रीक का वहां पे एक लोकल थिकनिंग बन जाती है। That local thickening is known as Hansen's node. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं Hansen's node. So the spheric end or the anterior end, at the spheric end or the anterior end of primitive streak, or local thickening is formed, and that local thickening is known as Hansen's node. After the formation of primitive streak and endoderm cells. After the formation of primitive streak and endoderm cell begin to push in from the region of Hansen's node to form notochord. जब ये primitive streak भी बन जाती है और ये endoderm भी बन जाती है तो ये जो Hansen's node है इसमें से cells कुछ push होकर वो कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे की तरफ, और ये एक rod like structure बनाते हैं। This rod like structure is known as notochord. तमाम जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं, द एनिमल विच बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर नोन एज कॉर्डेट्स। तमाम कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। बाद में ये होता है कि कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, यानी कायम रहती है, उससे बैकबोन नहीं बनती। लेकिन जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट एनिमल में बाद में क्या होता है, जैसे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड विद बैकबोन, नोटोकॉर्ड की जगह फिर बैकबोन ले लेती है। तो जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है, एंडोडर्म बन जाती है, तो हैंसन्स नोड से सेल्स पुश होकर वो क्या बनाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हैंसन्स नोड। इधर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एपिब्लास्ट जिससे जो है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनेंगे, ये हाइपोप्लास्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना है, इंटरवेचर बना है, डिप्रेशन का गढ़ा सा बना है, दिस इज नोन एज न्यूरल ग्रूव। तो ये हाइपोप्लास्ट, एपिब्लास्ट, यहाँ पे ये न्यूरल ग्रूव बना। एपिब्लास्ट से सेल्स माइग्रेट होकर यहाँ पे आ रहे हैं। दीज सेल्स आर नोन एज माइग्रेटिंग सेल्स और सोमाइट्स। बाद में यही माइग्रेटिंग सेल या सोमाइट्स के हैं, दे डेवलप इनटू मेसोडर्म। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेसोडर्म बन गई, तो एपिब्लास्ट सेल गिव राइज टू एक्टोडर्म एज यू आर वाचिंग हियर, और ये हाइपोब्लास्ट सेल से एंडोडर्म बन गई। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर भी बन चुका। कैविटी बिटवीन जोक एंड एंडोडर्म इज फॉर्म्ड, दैट कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोसीड। याद रखें कि एंडोडर्म से नीचे की तरफ जॉक होती है, जॉक और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी बनती है, दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोसीड। बाद में ये होता है कि ये जो मेसोडर्म है जो एपिब्लास्ट से माइग्रेट करने वाले सेल से बनी, लेटर दिस मेसोडर्म सेपरेट्स इनटू टू लेयर, सेपरेट्स मीन डिवाइड। ये मेसोडर्म सेपरेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो लेयर में, वन इज सोमैटिक मेसोडर्म एंड अदर इज स्प्लेंडर मेसोडर्म। ये यहाँ पे सोमैटिक मेसोडर्म एंड दिस इज स्प्लेंडर मेसोडर्म। आप देख रहे थे सोमैटिक मेसोडर्म अंडरलाइन का एक्टोडर्म एंड स्प्लेंडर मेसोडर्म अंडरलाइन का एंडोडर्म। ये एंडोडर्म है
इसके साथ साथ ये सिमेटिक मेसोडर्म, ये एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के साथ साथ ये सिमेटिक मेसोडर्म चल रही है। बिटवीन सिमेटिक एंड सिमेटिक मेसोडर्म अ कैविटी इज फॉर्म, दिस कैविटी इज नोन एज सिलोम। तो जिन एनिमल में ये सिलोम कैविटी बनती है इनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज 18 आवर्स एम्ब्रियो, दिस इज 18 आवर्स एम्ब्रियो और इस स्टेज पे ये एम्ब्रियो की एज जो है ये 25 आवर्स हो चुकी है एंड दिस इज 28 आवर्स एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट स्टेज चेक में पहला स्टेप क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है लेइंग ऑफ एग, फिर क्या है इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन के प्रोसेस के दौरान सूटेबल टेम्परेचर इज गिवन टू द एग्स व्हिच इज 36 टू 38 डिग्री सी। फिर क्या है होता है जाइगोट में क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है और उसके नतीजे में मारूला बनता है। मारूला से नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टुला है और ब्लास्टुला से नेक्स्ट स्टेज गैस्टुलेशन है। व्हेन द एम्ब्रियो इज पासिंग थ्रू गैस्टुलेशन स्टेज एट दैट टाइम इट इज नोन एज गैस्टुला। और फिर आपको देखते हैं कि ये नोटोपॉड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन है दैट वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस न्यूरोलेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्रेन इज ड्यूरिंग द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इज नोन एज न्यूरोलेशन। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको बगैर ताखीर के मिल सके। So till discussion of next topic, Allah Hafiz. Thank you.